हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा चैप्टर है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसमें रिकंसिलेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर हमें गिवन है समरी ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से हमें मिलता है नेट प्रॉफिट या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट। और यहां पर हमें गिवन है काफी सारी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग से, और यहां पर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट भी गिवन है। आप देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है और फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट है, दोनों ही अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि यहां पर रीजंस गिवन है आपको, जिनकी वजह से आपके दोनों ही प्रॉफिट जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। अब आपको इन पॉइंट्स को देखते हुए, इन रीजंस को समझते हुए अपना रिकंसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए एक एक करके यहां पर सारे पॉइंट्स पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर हम इसको रिकंसाइल करेंगे, है ना। चलिए समझिए जरा। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। देखिए आप समझते हैं, देखिए यहां पर हमें गिवन है वर्क एक्सपेंसेस 5 पैसे पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो ये जो हमें फिगर गिवन है ये फाइनेंशियल अकाउंट के लिए कितनी है भाई, वर्क एक्सपेंसेस 10500। लेकिन कहा गया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कितने रखने हैं, 5 पैसे पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए है। तो हम ये सीखेंगे भाई किस तरह इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 12% ऑन सेल्स रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको बताया गया है कि सेल हमने किए हैं 210,000 यूनिट्स, और एक यूनिट जो है वो 1.50 रुपीज का है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका 12% जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तब हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है। तो देखते हैं, तो देखिए 210,000 यूनिट्स हैं, 1.5 रुपए का एक यूनिट है, तो ये हो रहा है 315,000। और 315,000 का भी हमें 12% चाहिए, तो इसको हम निकाल लेते हैं, तो इसका 12% हो जाएगा 37,800। तो ये तो आसान है। यहां पर आप देखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 34,220, यहां पर आ गया है 37,800। फिर देखते हैं, कह रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो टोटल कितने हैं, 25,000, लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल एक्सपेंस 13,000 का। तो यहां से हमें दो बात पता लगी कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्चुअली कितने हैं आपके, 12,000 के, क्योंकि इसमें इंक्लूड कर रखा है आपने 13,000 का फाइनेंशियल एक्सपेंस, तो इनको मिलाकर 25,000 हो रहे हैं। अब आप इनको कंपेयर करके देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो हैं यहां पर कितने हैं, 5,470, और यहां पर कितने हैं 13,000 के। तो देखिए अलग अलग हो गए। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहां पर कितने हैं कॉस्टिंग में, 12,000 के, और यहां पर कितने हैं, 21,790 रुपए के। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आइटम्स ऑफ नॉन रेवेन्यू वैल्यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट। तो जो नॉन रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं वो आपने यहां पर इंक्लूड नहीं कर रखे हैं कॉस्ट अकाउंट में, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में तो आपने किए होंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो लिखा हुआ है लेकिन कॉस्टिंग में नहीं है, तो हमें इसको वहां पर लिखना पड़ेगा। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट से जो आपकी इनकम हुई है ये भी आपने यहां पर तो लिखी है लेकिन ये कॉस्टिंग में नहीं लिखी हुई। ये मतलब हुआ आपका इस वाले पॉइंट का। फिर समझते हैं भाई, इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट डायरेक्ट कॉस्ट। कह रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें जो स्टॉक रखना है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, जिसमें सिर्फ क्या क्या इंक्लूड करा जाएगा, मटेरियल एंड लेबर, मटेरियल एंड लेबर। लेकिन कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंट में कह रहे हैं कि भाई आपने ओवरहेड्स भी मिला रखे हैं। देखिए आपका जो ओपनिंग स्टॉक है कितने का है, 5,000 का। यहां देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5,000, और क्लोजिंग है 8,500, क्लोजिंग है 8,500, लेकिन ये कहा गया है कि इसमें ओवरहेड्स भी इंक्लूडेड हैं। हमें क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए निकालना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बस इतना है मटेरियल एंड लेबर। तो ये कितना हो गया भाई, 4,200। तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट अकाउंटिंग का कितना है, 4,200, और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 7,000 का। समझ पा रहे हैं ना आप। देखेंगे अब यहां पर डिफरेंसेस आ गए, तो अब हमें इनको रिकंसाइल करना है।
तो इतने पॉइंट्स जो मैंने फिलहाल आपको बताए, जल्दी से पहले आप उनको नोट कर लें ताकि ये मैं यहाँ से हटा सकूँ, और पॉइंट नंबर ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं यहाँ पर आपको सिखा दूँ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन फिगर्स को यहाँ पर लिख लें। तो जैसे फर्स्ट फिगर हमारी आई है सेलिंग एक्सपेंसेस की, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 37,800 हो रहे हैं, 37,800 है ना, तो इस तरह याद रहेगा। फिर आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 12,000 के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 12,000 हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस 13,000 है। तो ध्यान रखेंगे ब्लू वाली फिगर्स जो हैं वो कॉस्टिंग की हम लिख रहे हैं, आइटम्स ऑफ नॉन रेवेन्यू आर नॉट इंक्लूडेड। तो हम देख लेंगे कि भाई ये दो फिगर्स जो है अब हमें ध्यान रखनी है कि ये कॉस्टिंग में लिखी हुई नहीं है, तो हम इनको अब लिखेंगे जब रिकंसिलिएशन बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा 4,200 का हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक हो रहा है 4,200 का, है ना। और बात रही क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है 7,000 का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशंस थे वो यहां पर हमने परफॉर्म कर लिए हैं। अब हम दिखाते हैं आपको पॉइंट ए जो है कि वर्क एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन किस तरह से आप करेंगे। चलिए जल्दी से सभी चीजों को आप नोट कर लें, चलिए समझते हैं। देखिए यहां पर ये कहा गया है कि वर्क एक्सपेंसेस हैं 5 पैसे पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो हमें पहले ये तो पता हो कि हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ये किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा समझते हैं। देखिए आपको पता है कि हमारी जो सेल्स होती है ना उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेल्स का मतलब है कि भाई आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसमें प्रोडक्शन कितना किया आपने, तो टोटल यूनिट्स हो गए, उसमें से जितने यूनिट्स आपके बच गए क्लोजिंग स्टॉक वो हम माइनस कर देते हैं, तो ये वैल्यू होती है सेल्स की। यहां पर आप देखेंगे सेल्स तो मुझे पता है कि 2,10,000 यूनिट्स है ना। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट्स का है। प्रोडक्शन कितना किया है यही तो कैलकुलेट करना है, और माइनस 8,000, 8,000 क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए इसको आप आंसर में ले सकते हैं, तो भाई 2,10,000 माइनस 5,000 प्लस 8,000 इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन या फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो देखते हैं हमें इसकी कितनी वैल्यू आती है, तो ये हमारा हो जाएगा 2,10,000 माइनस 5,000 प्लस 8,000 विच इज इक्वल टू 2,13,000। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या फिर प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ है, 2,13,000 यूनिट्स का, ठीक है ना। अब हमें निकालने हैं वर्क्स एक्सपेंसेस। तो वर्क्स एक्सपेंसेस के लिए कहा गया है आपके लिए कि भाई जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं ना उसका 5 पैसा है एक यूनिट के लिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2,13,000 इंटू 5 पैसे का मतलब 0.05 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इंटू 0.05, तो ये हो जाता है 10,650 रुपीज़। तो वर्क्स एक्सपेंसेस कितने आ गए आपके 10,650। इस फिगर को हम यहां लिख देते हैं, ये हो गई है 10,650। अब सभी वैल्यूज जो हैं वो यहां पर आपने कैलकुलेट कर ली हैं, अब हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें इनको रिकंसाइल करना है। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं इन वैल्यूज की हेल्प से रिकंसिलेशन अकाउंट या फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यहां पर आप देखेंगे हमें गिवन है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो यहां पर आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट हमें गिवन है 54,650, 54,650। अब इसमें ऐड और लेस करने की चीज़ आती है भाई, तो क्या क्या हमें ऐड करना है और क्या क्या हमें लेस करना है।
ठीक है भाई, देखते हैं, समझिए। अब आप देखेंगे भाई, सबसे पहले बात आ रही है ओपनिंग स्टॉक की। देखिए ब्लू वाली फिगर्स कॉस्ट अकाउंटिंग की है ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर ओपनिंग स्टॉक कम है। तो हमने क्या बताया था, ओपनिंग स्टॉक जब कम होगा तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि आपको इसको लेस करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे भाई लेस में, कैसे लिखेंगे आप, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कितना फर्क है भाई, 800 रुपए का, ये आ गए 800, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इधर देख लेते हैं भाई क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग स्टॉक जब कम है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। कम का मतलब ऐड करना है, तो ऐड कर ले रहे हैं भाई, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। कितना फर्क है भाई क्लोजिंग स्टॉक में, 1500 का, यहां पर आ गया 1500। नेक्स्ट देखते हैं भाई वर्क्स एक्सपेंसेस। आप देखेंगे वर्क्स एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो जब एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट हो गया कम, और कम का मतलब ऐड। तो आप लिख सकते हैं यहां पर ज्यादा है ना, तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा है। कितना ज्यादा है, डिफरेंस निकालिए 150, तो 150 का फर्क आ गया भाई। फिर आपने देखा सेलिंग एक्सपेंसेस, यहां पर देखेंगे तो 37,800 है, यहां पर 34,220 है। तो आप देखेंगे इसको माइनस करके, तो भाई 37,800 माइनस 34,220 विच इज इक्वल टू 3580, ज़्यादा है। सेलिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है, सेलिंग एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हुए तो प्रॉफिट हो गया कम, कम का मतलब ऐड करना है, ऐड कर लीजिए, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, डिफरेंस निकालेंगे तो 3580 आ जाएगा, 3580। फिर आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो 12,000 हैं, और यहाँ पर कितने हैं 21,000। तो अब के एक्सपेंस हो गया कम, कम हो गया एक्सपेंस तो प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करने से आपको लेस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे भाई, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कितना फर्क है भाई देखेंगे आप, तो 21790 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू 9790, ये आ गया भाई 9790। फिर आप देखिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यहां पर है 5470 और यहां पर है 13,000। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ज्यादा है, एक्सपेंस बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया कम, कम का मतलब ऐड करना रहेगा आपको। तो किस तरह करेंगे भाई, 13,000 माइनस 5470 विच इज इक्वल टू 7530, तो 7530 क्या कहेंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंस ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये आपने लिख दिया। फिर आपने देखा तो खत्म हो गया यहां पर, तो लेकिन आप इधर आए तो यहां पर देखेंगे ये एक इनकम है जो कहां पर शो की है आपने, फाइनेंशियल में, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है। तो आप कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम नहीं है, यानी कि इसका प्रॉफिट भी कम है, कम का मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितने रुपए भाई, 3650, ये आपने ऐड कर लिया। फिर आपने देखा इन्वेस्टमेंट इनकम, सेम चीज, इन्वेस्टमेंट की इनकम कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखी हुई नहीं है, यानी कि वहां का प्रॉफिट भी कम है, तो ऐड करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इनकम 100 रुपए, इनको ऐड करके यहां लिखेंगे, इनको ऐड करके यहां लिखेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट कर लेंगे भाई। तो देखिए 1500 प्लस 150 प्लस
3580 प्लस 7530 प्लस 3650 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 16510 16510 इधर आ जाते हैं भाई, ये है आपका 800 प्लस 9790 विच इज इक्वल टू 10590। ये फिगर माइनस होने वाली है और इसको ऐड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो 54650 प्लस 16510 माइनस 10590 विच इज इक्वल टू 60570। ये देखिए 60570 ये आ गया आपका आंसर बहुत आराम से। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये हमें मिल गया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आप ये समझ लें कि क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाह रहा है। यहाँ पर सभी पॉइंट्स बहुत आराम से हमने सॉल्व कर लिए। पॉइंट नंबर ए जो था वो स्पेशल थोड़ा फोकस करने का था, वहाँ पर हमें पहले क्या कैलकुलेट करना था कि भाई प्रोडक्शन आपने कितने यूनिट्स का किया है, उसके बाद ही तो आप निकाल पाएंगे भाई 5 पैसे से मल्टीप्लाई करके। तो आप देख लें इस क्वेश्चन को, ये आपके सामने है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आज वाला क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है तो देख के घबराना नहीं है, उसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर लें और बहुत आराम से आप फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक हमने आपको बताई हुई है। तो अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।